फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। मां बाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से? नहीं मेरे भाई, एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेस्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए, ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है, एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है, ध्यान रखिए। मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई, बताइए? कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझ रहा तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है, वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है, वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है, वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है, वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है, वही पानी की बूंद यदि समुंदर में गिर जाए तो खारी हो जाती है, वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है, ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से, और जहर बना सांप की संगति से, ध्यान रखिए।